भाईटीबंस की हालचाल, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कश्मीर अगर आप घूमना चाहते हैं, देश के किसी भी कोने से आप कश्मीर ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपके मन में बहुत सारे सवाल आते होंगे, क्या इस टाइम सेफ है कश्मीर जाना, कश्मीर कैसे पहुंचें, सबसे सस्ता और अच्छा पैकेज कैसे लें, क्या खुद लेकर के जाएं, अपने आप घूमें फिरें या पैकेज लेकर के जाएं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो मेरे व्यूवर्स लगातार मुझसे कर रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना उनके लिए एक डिटेल्ड Q&A वीडियो, मतलब क्वेश्चन एंड आंसर की सीरीज वीडियो लेकर के आ जाऊं और उनको बताऊं कश्मीर से जुड़े हुए सारे सवालों के जवाब जो वो जानना चाहते थे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो को, जिसमें मैं कवर कर रहा हूं कश्मीर से जुड़े हुए 5 ऐसे सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं और आपको उनका आंसर पता होना ही चाहिए। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन में। और हाँ दोस्तों, अगर अपने YT भारत चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के लिए नीचे रेड बटन आ रहा है सब्सक्राइब का, क्लिक करके सब्सक्राइब करो। साथ ही में बेल आइकन को दबा के ऑल को जरूर सेलेक्ट करना, नहीं करोगे तो आगे आने वाले मेरे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेंगी। ये वीडियो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। साथ ही में अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक जरूर करके जाना, और नहीं अच्छे लगते हैं तो डिसलाइक कर देना। कोई भी सवाल हो कश्मीर से जुड़ा हुआ या ऑल ओवर इंडिया के किसी भी राइड से जुड़ा हुआ, तो YT भारत चैनल पर आप कमेंट करके मुझसे जवाब हासिल कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, चलिए अपने लैपटॉप की स्क्रीन में आपको लेकर के चलता हूं। आइए दोस्तों हम आ गए हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन में और आप देख रहे हैं पीछे बैकग्राउंड में कश्मीर की कितनी सुंदर वादियां। आइए एक एक करके 5 सवालों के जवाब आपको बताना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला सवाल आ रहा है वाहिद अहमद जी का, भाईजान इसमें किसी तरह की 420 वाला काम तो नहीं होगा ना? तो वाहिद जी, मैं आपको खुद बताऊं, इससे अच्छा आपको 100% आज का ही कस्टमर का रिव्यू दिखा देता हूँ। कश्मीर से गुलमर्ग का ये रिव्यू है, जहां पर गंडोला राइड में बैठ करके जो हमारा क्लाइंट है वो कश्मीर की सुंदर वादियों में ऊपर पॉइंट पर जा रहा है। उस रिव्यू को देख करके आप खुद समझ जाएंगे कि आपको इस ट्रैवल एजेंट से पैकेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं उस क्लाइंट का रिव्यू। ओके, हे गौरव, दिस इज फॉर यू टू मेक माई ट्रिप मेमोरेबल। Now I am going from the phase 1 to my hotel. So you can recommend to your travelers to visit the Gulmarg. So they will have the some great experience. Now there is a high flow of the snow. And that's all. And I have a great experience with you as well. Thank you so much. Okay, Nanu, say thank you. Thank you so much, Gaurav. जी, आपने रिव्यू देख लिया होगा। बुकिंग कराने के लिए ट्रैवल एजेंट का नंबर मैंने वीडियो के टाइटल में दिया है, साथ में डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, जाइए कॉल करिए, बुकिंग करा लीजिए। आइए दूसरा सवाल ले लेते हैं दिल्ली बजेस इन्फो से। सर, पैकेज लेकर जाना चाहे तो 15 दिसंबर के बाद वहां स्नोफॉल मिलेगी कि नहीं? तो दिल्ली बजेस इन्फो जी, आपके सवाल का आंसर पहले से ही, ऑलरेडी वहां पर स्नो स्टार्ट हो चुकी है। नवंबर में ही बहुत अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है और ये नवंबर की स्नोफॉल फेब तक आई थिंक कंटिन्यू रहेगी, बीच बीच में होती रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा स्नोफॉल का मंथ बस कल स्टार्ट होने वाला है दिसंबर। तो सबसे ज्यादा अगर स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं तो दिसंबर में जाइए, नहीं तो जनवरी और फेब के अंदर आपको स्नोफॉल मिलेगी, लेकिन किसी दिन हो सकता है मिले, किसी दिन ना मिले। तो सबसे ज्यादा एंजॉय करने का मंथ दिसंबर है, उसके बाद जैन है और लास्ट में फेब तक आराम से आप स्नोफॉल को एंजॉय कर सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल का जवाब ले लेते हैं। नेक्स्ट सवाल है नेत्रा अंबेर जी का, गुड इन्फो, वी आर प्लानिंग फॉर दिसंबर 2020। तो नेत्रा जी, दिसंबर 2020, जैसे मैंने पिछले सवाल में ही जवाब दिया, सबसे ज़्यादा स्नोफॉल का महीना है। तो आपके ट्रैवल के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जाइए एंजॉय करिए गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, जो हम पैकेज ऑफर कर रहे हैं ट्रैवल एजेंट के थ्रू, उसमें सारे अमेजिंग प्लेसेस को विजिट करवाया जा रहा है। और जो पीछे फोटोग्राफ चल रही हैं वो सारे होटल्स की कैटेगरी
ट्रैवल एजेंट जो हमारा है, जिसका टाइटल में मैंने नंबर दिया है, वो प्रोवाइड कर रहा है, अगर आप बुक कराना चाहें तो उस ट्रैवल एजेंट को कॉन्टैक्ट करके बुकिंग करा सकते हैं। नहीं तो जो आपने मंथ चूज किया है, डैट इज द बेस्ट मंथ फॉर स्नोफॉल। बेस्ट ऑफ लक। प्रियंका कुमारी जी का अगला सवाल है, प्लीज मुझे कश्मीर जाना है और मुझे बुकिंग करानी है, हेल्प मी। प्रियंका जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो के टाइटल में ट्रैवल एजेंट का नंबर दिया हुआ है, साथ ही मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूं, और आपके सवाल के जवाब के रेफरेंस में मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही अपने पुराने दोनों कश्मीर के पैकेज के वीडियो वहां पर पेस्ट कर रहा हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के बस लिंक पे क्लिक करिए और देख लीजिए कश्मीर ट्रैवल का फैमिली और हनीमून दोनों पैकेज की डिटेल, जो अभी हैवी डिस्काउंट के साथ चल रहा है, जा करके बुक करा सकते हैं और ट्रैवल करके आ सकते हैं। आइए अब नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं। सबा मरियम जी का अगला सवाल, सर पेट्रोल का खर्चा हमको देना होगा क्या, प्लीज बताइए। तो सबा मरियम जी, मैं आपको बता देता हूँ, किसी भी ट्रैवल एजेंट से अगर आप पैकेज को बुक करवाते हैं या किसी भी कंपनी से बुक करवाते हैं, तो कभी भी साइट सीन पर पेट्रोल का पैसा आपको नहीं देना होता है, क्योंकि सारी कॉस्ट ऑलरेडी पैकेज के अंदर पहले से इंक्लूडेड होती है। अगर आपको इस तरह की टेंशन देनी होगी तो आप ट्रैवल एजेंट से अपने पैकेज को बुक क्यों करवाए जाएंगे। ट्रैवल एजेंट का मकसद ही होता है कि आपके पैकेज में ज़्यादा से ज़्यादा बिना टेंशन के फैसिलिटी कैसे प्रोवाइड करी जाए, ये ट्रैवल एजेंट फिक्स करता है। तो आपको किसी भी तरह की पेट्रोल का खर्चा नहीं देना होगा जब आप किसी ट्रैवल एजेंट से पैकेज को बुक कराते हैं। उम्मीद करता हूं आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। राजपूत जी का सवाल है, होटल अच्छे होते हैं कि नहीं सर? तो रजत राजपूत जी, मुझे और ट्रैवल एजेंट का तो पता नहीं है, लेकिन हमारे थ्रू जो आप ट्रैवल एजेंट के पैकेज को अगर बुक करते हैं, तो पीछे जितनी भी फोटोग्राफ चल रही हैं इस वीडियो के अंदर, वो सारी ज्यादातर उन्हीं होटल्स की हैं जो कश्मीर में आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। आप देख करके समझ सकते हैं कि कितने सुंदर, साफ सुथरे, अच्छी कैटेगरी के होटल हैं, 3 स्टार 4 स्टार कैटेगरी के होटल हैं। और दूसरी और भी बात यह है कि कश्मीर में जो भी आपको मोस्टली प्रॉपर्टीज मिलेंगी, वो बहुत ही वेल फर्निश्ड प्रॉपर्टी होती हैं, और उसमें से भी हमारे ट्रैवल एजेंट जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो द बेस्ट होटल्स विद द बेस्ट फैसिलिटी के साथ प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो ये एक लास्ट कॉम्प्लीमेंट्री सवाल था जिसका जवाब मैंने दिया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको मोस्टली सवालों के जवाब मिल गए होंगे, और अगर आपके कोई भी सवाल अभी भी रह गए हैं तो YT भारत पर कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सारे सवालों के जवाब आपको हमेशा की तरह तुरंत दिए जाएंगे। मिलते हैं इसी तरह के अगले बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए YT भारत चैनल पर। थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए YT भारत चैनल को और साथ में बेल आइकन पर क्लिक कीजिए पाने के लिए लेटेस्ट वीडियो, और वो भी बिल्कुल फ्री में।